नमस्कार हिंदी आचार्य में बच्चों, आज हम चोला की लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि ये जो चोला ब्रॉन्ज इमेजेस हैं, यानी कि ये जो कांसे की मूर्तियां हैं, चोले साम्राज्य के द्वारा जो बनाई जाती थी, यानी कि राजा लोग बनवाते थे या जो अमीर लोग थे वो बनवाते थे, तो ये जो हमें मूर्तियां मिली हैं ये कांसे की हैं। कांसा क्या होता है? तांबा और टिन के साथ में मिली हुई एक मिश्रित धातु है, ये कांसा है। लेकिन ये बेल मेटल की ज्यादा होती थी, बेल मेटल यानी कि जिसमें टिन की मात्रा ज्यादा हो, तांबे के साथ साथ में टिन की मात्रा ज्यादा हो, तो ये बेल मेटल की मूर्तियां होती थी, पहली बात। तो दूसरा, इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये बहुत ही बारीकी से किया गया काम है। तो इतनी बारीकी से अगर आपको मूर्ति बनानी है तो आप उसको मोम की मदद से बनाएंगे। तो ये टेक्निक कैसी है, जिसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, ये जो टेक्निक होती है लॉस्ट वैक्स टेक्निक, इसमें क्या किया जाता है कि मूर्ति पहले मोम की बनाई जाती है, क्योंकि बारीकी का काम करना है तो आपको मोम ज्यादा सॉफ्ट होता है, उसमें ज्यादा अच्छी तरीके से बारीकी का काम किया जा सकता है। तो मोम की सबसे पहले मूर्ति बनाई जाएगी, जैसे कि आप सामने आप फोटो में देख सकते हैं, ऐसी मूर्ति अगर आपको बनानी है, पहली ऐसी ही मूर्ति मोम की बनाई जाएगी। फिर उस मोम को, जैसे कुम्हार की जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी से उसको ढक दिया जाएगा, यानी कि उसके ऊपर एक मिट्टी की मूर्ति बना दी जाएगी, उस मोम की मूर्ति के ऊपर उसी तरह की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसको ढक दिया जाएगा, अंदर जो मोम की मूर्ति बनाई गई है। उसके बाद वो मिट्टी की मूर्ति में एक छेद कर दिया जाता है। उसके बाद ये जो मिट्टी की मूर्ति जिसके अंदर मोम की मूर्ति बना रखी है, उसे गर्म किया जाता है, जिससे कि अंदर वाला जो मोम है वो पिघल जाए और ये जो मिट्टी है ये पक जाए बाहर से। तो इसके बाद मोम पिघल कर उस छेद में से बाहर आ जाएगा। तो फिर उसके बाद गर्म की गई मेटल, जो कि तरल अवस्था में है, लिक्विड मेटल को उसी छेद के थ्रू अंदर मिट्टी के जो सांचा है उसके अंदर रखा जाता है, डाला जाता है, और उसके बाद फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो उसी तरह से कांसे की या बेल मेटल की मूर्ति बन जाती है अंदर। फिर उसे ठंडा किया जाता है और ये जो बाहर जो मिट्टी जो सांचा बनाया गया इसे तोड़ दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत ही बारीकी का काम है, बहुत ही आसान तरीके से मोम पर बनाकर आप उसी को मेटल से बना सकते हो। तो इसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहते हैं, जो कि चोल साम्राज्य की जो बेल मेटल्स की या कांसे की जो मूर्तियां हैं उसकी खासियत है ये। तो आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हिंदी।